आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एचपी के कीबोर्ड और माउस की अनबॉक्सिंग करने वाले कॉमो हमको जाता है। ये एक वायरलेस सेट है, इसका आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करने। तो जैसे दोस्तों यहाँ आगे कुछ ऐसा दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है HP CS10 वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो। तो मतलब इसमें हमको कीबोर्ड भी मिल जाता है और माउस भी मिल जाता है, और इसका एक डिवाइस ये एडाप्टर है। इसको इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको बताऊँगा, इसके घाटे क्या हैं, फायदे क्या हैं, वो सब चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, और इसके प्राइस क्या वो सब चीज़ मैं क्लियर आपको करने वाला हूँ। तो आपको फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है ये, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह दिए हैं, इसको आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता थोड़ा बैक करके, इसमें यहाँ पे मतलब कि HP की ब्रांडिंग वगैरह जो भी है वो दी गई है, और पीछे से कुछ हमारा ऐसा है, पीछे से कुछ ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, यहाँ पे आप टॉप करके इसको पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं इजीली। अभी हम इसके अनबॉक्सिंग करने चलते हैं। इसको मैं यहाँ छुटा लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे खोल लिया। इसके आप देख सकते हैं इसके पॉलीथीन के अंदर है ये हमारा कीबोर्ड है ये। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी हैवी क्वालिटी में, अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी में दिया गया है। ये थोड़ा ऊंचा करने के लिए यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे दे सकते हैं, ये यहाँ पर भी है। इसको आप यहाँ करके रख, यहाँ पे यहाँ रख कर आराम से चला सकते हैं आपको। और हमारे यहाँ सेल का कनेक्शन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे से लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप सेल भी लगा सकते हैं अपने, और इसके सेल के कवर को मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ से आप दे सकते हैं इस कीबोर्ड को, और HP का हमको लोगो मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए। तो अभी मैं इसको रख लेता हूँ साइड में। अब हमको मिल जाता है ये हमारा माउस, यहाँ पर दे सकते हैं, माउस भी काफ़ी अच्छा दिया है इनने, माउस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये और लुक में काफ़ी अच्छा है। आप दे सकते हैं इसको आँख से दे सकते हैं, यहाँ पर लोगो हम उसका दे सकते हैं आपको। इसका सेल आप यहाँ पे जैसे यहाँ पर डालता है, मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे आपको कर देना उससे आपको यहाँ पे सेल लग जाएगा, और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ऐसे करके आपको लगा देना ये, तो ऐसे ही काम करता है इसको घुमाने के लिए। तो अब हमको यहाँ पे ये एडाप्टर मिल जाता है, ये मतलब कि जी दोनों को कनेक्शन के लिए होता है। इसको हम अपने लैपटॉप में लगाने वाले हैं, और लैपटॉप में लगाएंगे तो हमारा माउस और कीबोर्ड दोनों कनेक्ट हो जाएंगे लैपटॉप से। अगर ये चीज़ खो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, तो अगर ये चीज़ खो गई ना तो आपके माउस भी बेकार हो जाएगा और आपका कीबोर्ड भी बेकार हो जाएगा। वो चीज़ आपको दोनों फेंकनी पड़ेगी नाले में। ये एक इसमें वीक पॉइंट मिल जाता है आपको देखने के लिए, यहाँ पर आप दे सकते हैं इसको। कुछ जानकारी के लिए हमें कागज मिल जाते हैं यहाँ पर HP के, और एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप दे सकते हैं इनको। तो इन कागज को हम रख लेते हैं अभी साइड में। अब मैं आपको चेक कराता हूँ लैपटॉप में कैसे फिट करने हैं आपको। तो अब इसे हम इस बॉक्स को रख लेते हैं अभी साइड में। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप ले आया हूँ, ये भी मेरे लैपटॉप HP का ही है। इसकी मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो बना दी, वो मैं आपको आई बटन में वीडियो को लास्ट में एंड स्क्रीन में लगा कर दे दूँगा, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन, इसको मैं हटा लेता हूँ। अब इसको ओपन करने के बाद हम इस वाले बटन को दबा देंगे ऑन करने के लिए, तो ये हमारा ऑन होने वाला है। ये आपको लगा देना साइड में, आपको दिखा दो ये आपको लगाना कहाँ पर है, तो ऐसा आपको इसको कर लेना है। यहाँ पर आपको इसके इस साइड में लगाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं अभी ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे रख लेता हूँ। यहाँ पर आपको लगाने के पोर्ट दिया, इसमें आपको इसको लगाना है ऐसे करके। तो ऐसा आपको इसको लगा देना है, लगाने के बाद उसको रख देना आपको ऐसे। तो जैसे दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जी दोनों काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूज़ करने वाला हूँ माउस को, यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे राइट पे करता हूँ क्लिक, इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करने में यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र को करता हूँ ओपन, जैसे क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं यूट्यूब को लेता हूँ ओपन, अब यूट्यूब को ओपन करने में यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का नाम, है ना। अब यहाँ पे मैं कीबोर्ड का यूज़ करने वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउस तो हमारा अच्छा खासा यूज़ कर रहा है, और काफ़ी हैवी भी है, अच्छी क्वालिटी का भी है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं इजीली, मेरे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों चीज़ का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर परचेज कर सकते हैं इन दोनों के लिए। और इसकी प्राइस क्या होगी वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो जैसे दोस्तों अब हम यहाँ पे अपना कीबोर्ड का यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिजिटल भविष्य जी। तो यहाँ मैं करूँगा यहाँ पे सर्च DIGITAL, और यहाँ पर लिख दूँ भविष्य जी, इसको कर दूँगा मैं एंटर। अब एंटर करने यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल का नाम आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड का लुक भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे इसकी क्वालिटी बहुत आपको बढ़िया मिल जाती है, क्वालिटी भी आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया मिल जाती है। यहाँ इसको आप इजीली परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे पीछे बैक से ये ऐसा है, और यहाँ से सामने से ऐसा है, मतलब काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं इजीली।
मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दी थी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं इजीली। यहाँ मैं माउस से वो लेता हूँ ओपन, तो यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी आ चुका है और मैं यहाँ पे अच्छा खासा माउस यूज़ भी कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर नीचे करके यहाँ पे मैं पॉपुलर पर करता हूँ क्लिक, यहाँ पे मेरी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी है तो वीडियो पर लाइक, चैनल को निकले सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। अगर इस वीडियो से रिलेटिव आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको ये मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपके सामने दो वीडियो देख रही हूँ, एक मोनो माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो देख रही हुई, एक मेरी लैपटॉप की वीडियो देख रही हुई, तो उन पर आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं और कमेंट वगैरह लाइक वगैरह फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।